मिनट में भूत बन गया। ये देखो हैप्पी होली। गाइस यार वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का शुभेश व्लॉग्स में। और आज है होली तो सभी लोगों का हैप्पी होली। वैसे कायदे से ना कल को भी होली थी, बहुत सारे लोगों ने कल भी मनाई, बट मैं तो सो ही रहा था 12 एक बजे तक तो वही है। लेकिन आज हम लोग मनाने वाले हैं अभी सुबह के 8 बजे। और ये देखो जगबंदर होली मनाते हुए। अभी हम लोग फटाफट से गुब्बारे फुलाएंगे सारे के सारे, ठीक है, लोगों पर मारने के लिए मस्त करके। और पहले तो सबसे पहले टीका का लगाते मम्मी से, थोड़ा सा यू नो खाते वाते। भाई कितना अच्छा लग रहा है, देख रहे हो तुम लोग? वाओ भाई, ये फटाफट से कुछ थोड़ा हल्का लगाते, फिर जग्गू के साथ बैठ के गुब्बारे फुलाते पानी के। ओहो मम्मी भी क्या क्यूट लग रही है आज। ये लाल बानर। हाय गाइस, वाह वाह, थोड़ी बहुत गुजिया और ये सब देके तो चले गए, बट अभी ये खाना नहीं है। सबसे पहले एक काम करते हैं, मैंने दोबारा से मुंह धो रखा है, तुम लोग दिख ही रहा होगा सारा का सारा कलर वलर हटा रखा है। सबसे पहले जाएंगे मुंह पे तेल या फिर बोरोप्लस लगाएंगे, तेल थोड़ा सा ज्यादा अजीब से दिखेगा, तो एक काम करते हैं बोरोप्लस लगाते हैं, ताकि समझ रहे हो ना थोड़ा रंग लगाएंगे लोग तो रंग निकालने में आसानी हो जाती है, बहुत ज्यादा इजीली निकल जाता है, तो थोड़ा सा बोरोप्लस लगाते हैं अभी। तो गाइस बोरोप्लस लगा लिए, अब थोड़ा सा रंग लगा लेते हैं, क्योंकि खाली गाल देख के ना भाई लोग एकदम खतरनाक वाला पोत देते हैं। थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके खुद ही लगा लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखो इनको तो भाई बहाने जिए। अभी फटाफट से करते देखते, जाने का तो मेरा कोई प्लान नहीं है किसी के भी वहाँ पे, लेकिन हो सकता है चले जाए सौरभ भाई का, लेकिन देखते हैं अभी के लिए बाहर जाके देखते हैं जग्गू लोग क्या कर रहे हैं। चाची जी को भी हैप्पी होली। सेम टू यू, हैप्पी होली। यार मैं उल्टे हाथ से लगा दे रहा सबको हैप्पी होली चाचा। वैसे मैंने चाचे को वहां से रंग लेके रखे हुए हैं, पता नहीं कब इस्तेमाल करूंगा। तो वो भाई गुब्बारे मार रहे हैं, वो जग्गू खड़ा है उसकी पीठ में लग गई क्योंकि उसके गुब्बारे फूट नहीं रहे, उसके गुब्बारे से खाली। तो गाइस ये पहला साल होगा जब मैंने मम्मी को गुजिए बनाने में बिल्कुल भी मदद नहीं करी है, लेकिन खा के जरूर मदद करूंगा मैं अपनी मम्मी की। देखते हैं इस साल की गुजिया कैसी हो रही है। तो हमारे राहुल भाई तो क्या होली खेल के आए भाई, सुबह के 8 बजे भी है। राहुल भाई भूखो तो सही चल रहा, एक ही तो भाई है। मस्त लग रहा है राहुल। कौन सा वाला टीका? रंग वाला, मतलब क्या इसमें क्या पैसा वाला रंग है? हाँ लाल वाला। लाओ मैं भी लगाया तो लाल वाला। क्या तुम छुपा के रखा हुआ इसके अंदर बाबा? तुम बड़े गंदे हो यार। इसे मेरे पर खुला हुआ आधी कभी ना। पापा कितने तेज हो रहे, देख रहे हो अबीर के उसमें नीचे से वो पक्का वाला रंग होता ना वो भी डाल लगा कि ज्यादा किसी ने मजे लिए, वही से निकाल के गीला करके पोत देंगे। अरे अरे ये क्या हो रहा है भाई, अरे अरे शौर्य को रंग दिया भाई। भाई ये सारे के सारे देखो भीग के कैसे हो रखे है, पानी पानी। और चाचा को भी रंग दिया अपने साथ पूरा। इससे जयू से ज्यादा कोई भीग है बताओ। अरे यार ऐसा मत करो यार, नहीं यार नहीं। तुम दोनों क्या चाह रहे हो? अरे यार मत करो यार। अरे तेरे पास बंदूक है भाई। 2 मिनट में भूत बन गया, मजा आया शिवांगी? बच्चे परेशान कर रहे थे बहुत देर से तुम लोगों को, बहुत ध्यान को। ओ भाई मैं इनकी मदद कर रहा हूँ यहाँ, इनने मेरे को पूरा भिगा दिया है। ये देखो ये देख रहा है इनको भाई, वो बाल्टी में भर के रख रहा हूँ यहाँ पर, वो कहीं कहाँ दोबारा से। तो मंकुदार के एकदम साफ बन के भाई, देख रहे तुम लोग एकदम भाई, इतना साफ कौन होता है यार। Keeping me safe and sound, and when I fall, you've tied a rope to me. यहाँ अलग ही चल रहा है, बच्चे आए जा रहे, चाचा उनको पोते जा रहे पक्के रंग से, फुल मौज भाई। गया वो भी आ रहा, हरा होके चले गया। शिवांगी को पोत दिया यार। और भाई कैसी लग रही हो? अभी हम लोग तो देख के मजे ले रहे, वैसे
लेकिन थोड़ी देर बाद हम लोग भी सोच रहे हैं कि सौरभ भाई के यहाँ जाते हैं और अपना बदला कंप्लीट करते हैं। बस अभी वही देख रहे हैं गुड्डू दाभी आने वाले, उसके बाद चलते कहीं भी। भाई गुड्डू दाभी बिल्कुल एकदम साफ आ रहे हैं यार, साफ एकदम चमकते हुए। हैप्पी होली गुड्डू दा। क्या डाली तो जी यार अलग ही होली चल रही है। होली भाई ये देख रहे हो पूरा हाथ ऐसे हो गए, ये नहीं निकलेगा भाई। गुड्डा बोल रहे थे कि उनको पक्का रंग पसंद नहीं है। तो गाइस गुड्डा ने अपना बदला एक तरह से ले लिया भाई, ये देख रहे हो तुमने पूरे का पूरा भूत बना दिया भाई। अब मंकुदा की बारी, ठीक है गुड्डा चुपचाप ले रहे। अब मंकुदा लेके आए रंग, ठीक है उन्होंने निकाल दिया हाथ में। अब गए गुड्डू दा भाई, ये लेके आए हुए सिल्वर कलर, ठीक है मंकुदा को रगड़ा तो है। खानों के अंदर घिस दिया भाई। अरे लड़ाई कौन करता है यार गुड्डू दा, लड़ाई कर रहे हो यार तुम तो, तुम तो लड़ाई कर रहे हो यार गुड्डू दा। तो गाइस हम लोगों ने आपस में तो खेल ली, मैं सौरभ भाई को कॉल लगा रहा तब से वो कॉल उठा नहीं रहे। अब पता चला मैं चले गया और वो कहीं और होंगे, तो इसलिए अभी तो हम लोग देखते हैं क्योंकि फिर नहाने का ही टाइम हो गया, 11:30 मतलब 10:30 हो गया है, तो फिर नहाने का ही टाइम हो जाता है, तो देखते हैं अभी क्या करेंगे। गुड्डू दा की हालत देखो, मंकू की हालत, और ये मैं। You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. ये हरकत हमारी देख रहे हो। मस्त। तो गाइस यार हम लोगों ने तो मस्त करके होली मना ली भाई, हमने सोचा था पक्का रंग नहीं लगाएंगे नहीं लगाएंगे, पर ये देख रहे हो क्या मस्त एकदम मेरे हाथ तो भाई बता रही। ये गुड्डा अल्लाह के बड़े वो देखो। हैप्पी होली, बाय 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 गुड्डा। गाइस यार मस्त करके होली मना ली दोस्तों के साथ। हाँ थोड़ा सा मन था मेरा लाइक सौरभ भाई लोग के साथ मना का, बट फोन किया मैंने उठाया नहीं। अब अगर मैं चले गया तो वैसे लेट होगी, पता लगा नहा लिया होगा फिर कुछ, क्योंकि अभी 12 बज गए ऑलमोस्ट। तो अभी चलते हैं फटाफट से नहाते वाते या फिर कुछ खाते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि थोड़ी देर अभी और होली चलेगी, पता लगा कोई बीच आ गया तो रंग लगाने के लिए मना भी नहीं कर सकते। फिर नहा लिया तो साफ हो गए, फिर तो धोना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ी देर रुकते हैं फिर सीधे नहा के, और आज शाम को देखते हैं कहीं पे जाने का। अब मस्त करके यहाँ पे बैठ के खाते हैं भाई, मेरे को ये वाले चिप्स इतने बढ़िया लगते हैं ना, एकदम मजेदार। भाई चाचा ने बैठे बैठे यहाँ पूरा कलर निकाल दिया, और चाचा के हाथ से निकल रहे जबकि मुंह से पूरा कलर निकल गया, क्यों? चाचा ने सबको पोता है लेकिन चाचा को किसी ने नहीं पोता यार। चाचा मैं लेके आया हूँ कलर कि तू नहीं बचा। नहीं लगा रहा भाई। मम्मी और चाची अब जाके घर में आ रही हैं, तब से भूत बन के आ रखे हैं। अच्छा मैं तो अच्छा लग रहा हूँ यार। चलो अब साफ सफाई की बारी आ गई है, सारा कूड़ा उठाओ। ये देख रहे हो इन लोगों को, अभी बुआ आएगी ना हमारी, तो उसके लिए गुलाल में पक्का रंग डाल दिया इन लोगों ने, क्योंकि वो भी ऐसी करती है, ताई के सिर पे पक्का रंग डाल देती है। बस तो इनने भी तैयारी कर दी इस बारी। तो गाइस अभी गाड़ी हम लोग वहाँ पे खड़ी कर रहे हैं क्योंकि पापा यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम लगा रहे थे, यहाँ पे मस्त करके सारे के सारे अभी डांस करेंगे, बुआ लोग सब लोग आएंगे। तो और ये आ गई देखो जो छिपकली कहाँ से आ रही होगी। चलो भाई बस लगे ना यार कलर इसमें। यहाँ पे मस्त डांस स्टार्ट हो गया, लेट्स गो। ये चाची बुआ और मम्मी की अलग ही होली चल रही है। ये देखो ये चाची बेचारी सी बोल है यार, वो सर पे रंग डलाने से मना कर रही थी, पकड़ दिया भाई। ये इनकी हरकत है देखो, पूरा पानी पानी कर दिया है अभी। ये देखो ये देखो।
देखो अब मम्मी भगाते हुए लोगों को कि होली हो गई भाई, ना पानी से भगा रही मम्मी मम्मी पे उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। तो गाइस यार अभी होली होली खेल लिया, अब फटाफट से जाते हैं, पूरा रंग वंग उतारते हैं, फिर थोड़ा सा मेरे को वीडियो का भी काम था कुछ रिकॉर्डिंग का। ये भाई इनने पूरा ये माथा छिल दिया है मेरे यहाँ पर से, बाकी अब तो वैसे कम दिख रहा है बट ठीक है। अभी चलते हैं फटाफट से नहाते हैं, उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं, फिर शाम को निकले घूमने के लिए। मैं गुड्डूदा मंकुदा राहुल भाई भी आएगा, देखते हैं और उसका शाम को घूम के आते हैं मस्त। तो गाइस यार तुम्हारा भाई नहा धो के आ चुका है, हाँ ये थोड़ा बहुत कलर रह गया, वो तो खैर धीरे धीरे करके निकल जाएगा। बट मैंने ना एक कीबोर्ड मंगाया हुआ था अपने लिए नया, वो हम लोग अभी खोलने वाले हैं। ये मेरा पुराना वाला कीबोर्ड तो खराब हो गया, उसके भी पुराने वाला कीबोर्ड था ये, अब इसमें दिक्कत है लाइक थोड़ा ये निकल जाता है ये सब, और ये बटन काम भी नहीं करते पूरे। तो ये नया वाला कीबोर्ड खोलते हैं। ये सेम कीबोर्ड है जो मेरे पास पहले था, बट ये इतना अच्छा था कि मैंने दोबारा मंगा लिया, तो इसको अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले तुम लोगों में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमारा पंपुना कहाँ गया था, मेरा पंपुना कहाँ गया था। आज इसको दीदी के कमरे में बंद कर रखा था ताकि ये होली में बाहर ना आए और इसके ऊपर कोई रंग ना लगाए, है ना। हमारा पंपुना मस्त करके सोया हुआ था यहाँ पे, हाँ इसके ऊपर ना रंग वंग लगा देते लोग। सो जा तो गाइस इसको खोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला कीबोर्ड मंगाया था मैंने दोबारा से, ये मेरे पास पहले से था, तुम लोगों ने देखा होगा अगर कभी थोड़ा इधर उधर। तो ये रहा हमारा वापस से वही वाला लेकिन नया कीबोर्ड, ठीक है, क्योंकि उसका कंट्रोल खराब हो गया था, उसका आर कभी कभार काम नहीं करता था, एस्केप काम नहीं करता था। तो ये वाला अभी मंगा रखा है, लेट्स सी। इसे आवाज़ बहुत करती है क्योंकि ये ब्लू वो है ना, ब्लू स्विचेस है, तो ये आवाज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, बट कोई नहीं यार काम के है ना सबसे बढ़िया। बाकी तो अपने माइक में भाई मस्त करके हम लोग वो यूज़ कर लेंगे नॉइज़ रिडक्शन, तो ये साफ हो जाएगी पूरी आवाज़। बाकी इसका फील बहुत अच्छा लगता है, मैकेनिकल लेना ही बस सही हो गया। ये वाला कीबोर्ड मैंने वापस से यहाँ लगा दिया है, और बाकी ये वाला जो था पुराने के पुराने वाला वो हटा दिया है, और ये था यही वाला सेम कीबोर्ड, बट इसका ना वही मैंने बताया तुम्हें, ये देख रहे हो ये कंट्रोल वंट्रोल ये सब खराब हो गया था, यूज़ कर मतलब काम करना बंद हो गया, कि इसमें मैंने दो बार दूध गिरा रखा है, इसमें एक बार दूध गिरा रखा है। ये तो खैर अभी अभी लाए, तो ये तो अभी अभी लगा रखा है जस्ट, तो ये भी मस्त है एकदम, यस। तो गाइज अभी मेरे को अंशुभेश के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है, फटाफट से खाना वाना खाते थोड़ा दाल चावल और उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करने पे बैठते हैं। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं 5 बजे सो के 7 बजे उठा था, 5 बजे भी मैं ज़्यादा कुछ ऐसा काम करके नहीं सोया था, बट थोड़ी आदत खराब हो गई है तो उसकी वजह से आज मैं ट्राई करूंगा जल्दी सो जाऊँ ताकि कल को जल्दी उठे। और अभी करते हैं फटाफट से अपने काम धंधे पे लगते हैं, और उसके बाद मिलता हूँ तुम लोगों से थोड़ी देर में। तो गाइज यार अभी बज रहे हैं रात के 10:30 भी नहीं, लाइक 10:45 हो गया है। तो अभी तो यार सच्ची बताओ मेरा रिकॉर्डिंग जस्ट फिनिश हुआ है, मैंने एक्चुअली सो गया था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, थोड़ा खाना वाना खाया और फिर मेरे को नींद आ गई, और उसके बाद मैं उठा सीधे रिकॉर्ड किया, और उसके बाद दिन ही खत्म हो गया। बाहर जाने के इतने प्लान थे सब कुछ था, बट यार अब क्या कर सकते हैं, लेकिन काम हो गया वो बढ़िया चीज़ है, अभी एडिट बचता है तो वो मैं करता हूँ, और ये व्लॉग का भी एडिट करना है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, आई होप आप लोगों को आज मजा आएगा, अगर मजा आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना जिसने भी नहीं करा है, और बाकी मैं ट्राई करूंगा थोड़ा सा रेगुलर व्लॉग्स डालने का, बट मैं ऐसा पक्का नहीं कर सकता हूँ अभी, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत और उन सब चीज़ों को लेकर था, और थोड़ा स्लीप शेड्यूल ठीक करना है, मैं बहुत रात को सो रहा हूँ और आज भी मैं बहुत लेट नाइट सोऊंगा, जबकि मैं सुबह बहुत जल्दी उठा था, तो वो भी दिक्कत होने वाली है। अभी तो चलते हैं देखते हैं जो भी रहेगा, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो प्लीज लाइक करना सब्सक्राइब करना, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों, गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन, और एक और हैप्पी होली सभी लोगों को जितने लोग भी देख रहे हैं, आई लव यू गाइस, बाय बाय।